जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोजगार ज्ञान डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आ चुकी साल 2022 के लिए एक बार फिर से एक और नई सीधी भर्ती के बारे में, जहां पर केवल और केवल कक्षा 8वीं पास वाले महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए बिना किसी एग्जाम और इंटरव्यू के वैकेंसी के नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए फॉर्म भी जारी कर दिए गए हैं। आप लोग चाहें तो घर बैठे ऑफलाइन तरीके से बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगे। इसके बारे में आपको आगे जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम यहाँ पे 8वीं पास है। अगर आप लोग 33% के साथ, तो आप सभी लोग घर बैठे ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर पाएंगे। वेतन यहाँ पे आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। सभी इंडिया पोस्ट ऑफिस की वैकेंसीज से ज़्यादा यहाँ पे वेतन आपको देखने को मिलेगा, जबकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे केवल 8वीं पास रखी गई है। ऑल इंडिया लेवल पर आप लोग आवेदन कर पाएंगे। जुलाई महीने की बड़ी वैकेंसी आ चुकी है पोस्ट ऑफिस के अंदर। अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो आपके पास चांस होगा ज्वाइन करने का और अच्छी सी पोस्ट पर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब पाने का, वो भी बिना ज़्यादा स्ट्रगल ज़्यादा मेहनत किए हुए। सिर्फ आप सभी को ऑफलाइन तरीके से फॉर्म फिलअप करना होगा। नॉर्मल सी चीज़ें आपको बता देते हैं। 8वीं पास यहाँ पे आपका एजुकेशन रहेगा, ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, मेल फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, 18 से 40 आपकी एज होनी चाहिए, अप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है और आपको 1 अगस्त 2022 तक आवेदन करने का मौका दिया गया है, यानी कि 1 अगस्त 2022 आवेदन करने की आखिरी डेट है। इस डेट के अंदर या 1 अगस्त तक आप सभी को जरूर से फॉर्म फिलअप करके दिए गए पते पे सेंड करना होगा। आगे इस वीडियो में नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, ऑफलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करेंगे, कैसे भरना है इसके बारे में बताएंगे। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको आपके काम की लगे तो इस वीडियो को एक लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, आप लोग यहां पे चेकआउट कर पाएंगे। आपको देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया और इसके बाद यहां पे आप लोग देख सकते हैं ऑफिस ऑफ दी मैनेजर मेल मोटर सर्विस और यहां पे आपको एक बड़ा सा भारतीय डाक विभाग का लोगो भी देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली ये नोटिफिकेशन 30/6/2022 यानी कि 30 जून के दिन ही यह जारी कर दिया गया था। जून के महीने में आखिरी वैकेंसी थी पोस्ट ऑफिस की तरफ से, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से अभी तक इस वैकेंसी को कवर अप नहीं किया गया है। यहाँ पे देख पाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे फोकस करिएगा इस लाइन पे। यहाँ पे ये बोला गया है कि आप सभी को 1/8/2022 शाम के 5 बजे तक, यानी कि आपको 1 अगस्त तक कैसे भी करके आपको आवेदन कर देना है। इसके बाद आपको आवेदन करने का मौका शायद ही मिले। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्किल्ड आर्टिसंस की आपको वैकेंसी मिलेगी ग्रुप सी के अंदर, यानी कि आपको ग्रुप सी की वैकेंसी मिलेंगी। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोग ऊपर डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कई सारी जानकारी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इनके बारे में हम बात करते हैं। इसके बाद आपको आखिरी में जो है तो हम बता देंगे कैसे आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस लाइन पे गौर करिएगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से बता रहा हूँ केवल 8वीं पास है, लेकिन वेतन यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। स्केल ऑफ पे फॉर स्किल्ड आर्टिसंस की बात करें तो यहाँ पे वेतन आपको 19,900 से 63,200 रुपये का देखने को मिलेगा, जो कि लेवल 2 में यहाँ पे आपको 7th CPC के अंदर प्रोवाइड कराया जाएगा और इस वेतन के अलावा आपको अदर अलाउंस भी यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप सभी को बेनिफिट होने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी अप्लाई करने की, 2 पॉइंट है, एक एज से रिलेटेड है और एक एजुकेशन से। तो एज यहाँ पे आपका 1/7/2021 से काउंट किया जाएगा, जो कि जनरल EWS का या फिर बोला जाए कि यहाँ पे नॉर्मल कैटेगरी का, यहाँ पे 18 से लेकर 30 साल, और जिनको रिलैक्सेशन मिलना है उनके लिए SC में 5 साल और OBC में 3 साल यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो आप देख पाएंगे आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे इस लाइन पे गौर करिएगा, यहाँ पे 8वीं पास यहाँ पे आपका मांगा गया है। इसके बाद यहाँ पे मेथड है सिलेक्शन का, जो कि यहाँ पे बोला गया है सिलेक्शन ऑफ स्किल्ड आर्टिसन शैल बी मेड फ्रॉम अमोंगेस्ट द कैंडिडेट प्रोसेसिंग दी रिक्वेस्ट्स एजुकेशन, यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन है मीन्स ऑफ कॉम्पिटेटिव ट्रेड टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि यहाँ पे आपका नॉर्मल सा ट्रेड टेस्ट हो सकता है।
इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे कुछ, आपको इसको अच्छे से केयरफुली रीड करना है। इसके बाद यहाँ से नीचे आना है, आपको यहाँ पे देखना है कि फोटोकॉपी किस किस चीज़ की आपको फॉर्म के साथ में अटैच करना है। इसके बाद यहाँ से और नीचे आएंगे, आपको एक एड्रेस मिलेगा यहाँ से लेकर बोल्ड अक्षरों में, तो आपको इनको देखना है। और ये ध्यान रखना है कि आपको 1 अगस्त से पहले कैसे भी करके आवेदन जरूर से फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, अलग से आपको डाउनलोड नहीं करना है। यहाँ पर आपको कोष्टक में दिखेगा रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट ओनली, आपको सेंड करना है। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है स्किल्ड आर्टिसंस का, यहाँ पे देखिए फोटो ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि पहले तो आपको अपनी फोटो लगानी है क्रॉस सिग्नेचर के साथ। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द ट्रेड अप्लाइड, किस ट्रेड के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, इन कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है, जनरल एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिस भी कास्ट से हैं आप लोग यहां पे टिक कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे देखिए डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फीस, यहां पे आपका जर्नल है तो लगेगा 100 रुपये, बाकी आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं एससी एसटी वूमेन टिक कर सकते हैं, आपका कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं लगेगा। इसके बाद अगर हम बात करें फादर्स नेम के बारे में तो आपको यहाँ पे ऐड करना है। और इसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि आपको अपना एड्रेस डालना है, अपना मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी आपको फिल करना है। इसके बाद आपको रिलीजन और नेशनलिटी के बारे में जानकारी देनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ऐड करेंगे, अपनी एज बताएँगे 1/7/2021 से कितने साल कितने महीने और कितने दिन के हो गए हैं, डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको फिल करनी है, और यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन की डिटेल फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है डिटेल डालेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल डालेंगे, और इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट में सिग्नेचर करेंगे, डेट और प्लेस ऐड करेंगे, और इसको दिए गए पते पे सेंड करेंगे। इसके अलावा अगर आप फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पर फॉर्म मिलेगा एससी एसटी के लिए, इसको भी फिल कर सकते हैं जो भी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। इसके बाद इसको आपको फिल करके सेंड करना होगा। ये काफ़ी नॉर्मल सी बेसिक जानकारी है, कैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे इसके बारे में आगे बताएंगे, कैसे आपको भेजना है इसके बारे में आपको आगे जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डाक विभाग की तरफ से आ चुकी एक और नई भर्ती 2022 के बारे में, जहां पे आपको स्किल्ड आर्टिसन की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इन वैकेंसीज के लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, बिना किसी एग्ज़ाम के आपका सिलेक्शन होने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपका केवल और केवल 8वीं पास रखा गया है, आपकी उम्र आवेदन करने के लिए कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 साल की होनी चाहिए, और आप लोग 1 अगस्त 2022 तक ऑफलाइन तरीके से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कैसे आप लोग आवेदन करेंगे इसके बारे में जानकारी दे दी है, नोटिफिकेशन भी आपको दिखा दिया गया है, बाकी की जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ में इस वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। आपको कभी भी गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत हो गूगल पे जाइए, rozgargyan.com टाइप करिए, आपको ये वेबसाइट ये पेज मिल जाएगा, यहाँ पर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ की अपडेट देखने को मिल जाती है। या फिर आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखें पोस्ट ऑफिस स्किल्ड आर्टिसन रिक्रूटमेंट 2022 के लिए अप्लाई ऑफलाइन वेरियस पोस्ट वैकेंसीज के लिए आपको आवेदन करना होगा। यहां से नीचे आएंगे, आपको देखने को मिलेगा यहां पे आपका ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट ऑफिस होने वाला है, स्किल्ड आर्टिसन की वैकेंसी है, वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं जो कि 1 अगस्त 2022 तक चलने वाले हैं। ऑफलाइन तरीके से आपको आवेदन करना होगा। इसके बाद यहां पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो कि 8वीं पास होनी चाहिए, अगर आप लोग 8वीं पास है तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। आपकी एज यहाँ पर 18 से 40 साल की है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको मैं जो है तो मॉडिफाई कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन है जो कि यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के बेस पे होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे वेतन आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा जो कि 19,900 से 63,200 रुपये तक आपको पर मंथ का प्रोवाइड कराया जाएगा, प्लस यहाँ पे अदर अलाउंस भी ऐड किया जाएगा, यानी कि बेनिफिट ज़्यादा हैं। इसके बाद यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन लगभग ना के बराबर है, जनरल कैटेगरी को कुछ पे ऑफ करना पड़ेगा जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। पोस्ट ऑफिस की तरफ से यहाँ पर जो वैकेंसी है उसकी कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, जानकारी दी गई है। इसके बाद सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, नोटिफिकेशन प्लस
प्लस फॉरम के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप लोग एक नए पेज पे आएंगे। यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है, डाउनलोड की बटन दी गई है, इस डाउनलोड की बटन पे क्लिक करेंगे और आपका नोटिफिकेशन डाउनलोडिंग में लग जाएगा। इसके बाद आप लोग किसी भी पीडीएफ रीडर की सहायता से ओपन कर सकते हैं। और इसकी सारी डिटेल चेकआउट करने के बाद अगर आप लोग एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन ज़रूर से फिल करें। इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट है। कंप्लीट करते ही आपको ऐसी अपडेट और भी आगे देखने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।